एक जंगल में चिड़िया के दो बच्चे रहते थे। एक का नाम था लड्डू और दूसरे का नाम था पेड़ा। दोनों जुड़वा भाई सारा दिन जंगल में घूमते रहते थे। एक दिन लड्डू ने पेड़ा से कहा, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं जिससे कि हम मिठाई खरीद सकें? मुझे मीठा खाने का मन हो रहा है। नहीं, मेरे पास तो नहीं है, लेकिन इसके लिए कुछ युक्ति सोचनी होगी। तभी दोनों को बर्फी चिड़िया उड़ती दिखाई दी और लड्डू के दिमाग में एक योजना आई। लड्डू ने पेड़ा को अपनी सारी योजना बताई, जिससे पेड़ा बहुत खुश हुआ और तालियां बजाने लगा। लड्डू ने कहा, ये बर्फी चिड़िया सभी पक्षियों को बेवकूफ़ बनाती रहती है और अपना उल्लू सीधा करती है, क्यों ना आज हम इसे बेवकूफ़ बनाएं और शर्त लगाकर इसे हराकर मिठाई खाई जाए। दोनों ने बर्फी चिड़िया को अपने पास बुलाया। बर्फी चिड़िया दोनों से मिलने आ गई। कैसे हो दोस्तों, क्या बात है, मुझे क्यों याद किया आप लोगों ने? हम बिल्कुल ठीक हैं। हमने ऐसा सुना है कि तुम काफ़ी अच्छे से उड़ लेते हो, बहुत तेज। क्या तुम हमसे रेस लगाओगे? क्यों नहीं, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो हम ज़रूर रेस लगाएंगे। बोलो, तुम दोनों में से कौन मेरे साथ रेस लगाना चाहेगा? मैं तुम्हारे साथ रेस लगाना चाहूँगा। ठीक है, आज शाम को ही हम रेस लगाते हैं, तुम तैयार रहना। इस तरह से शाम को लड्डू और बर्फी दोनों में रेस शुरू हो गई और दोनों ही काफ़ी ऊंचाई पर उड़ते रहे। काफ़ी देर तक वे लोग उड़ते रहे। कुछ देर उड़ने के बाद बर्फी चिड़िया को ऐसा लगा कि लड्डू कहीं पीछे ही रह गया है, वो दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसने सोचा कि शायद लड्डू पीछे ही रह गया है, मुझे अपनी गति तेज करनी चाहिए ताकि मैं नदी के किनारे पे बहुत जल्दी पहुंच सकूं और इस रेस को जीत सकूं। सारे रास्ते को तेजी से पार करते हुए बर्फी चिड़िया जल्दी जल्दी नदी के किनारे तक पहुंचने लगी। वो कुछ देर तक ऐसी ही उड़ती रही और जल्दी ही नदी किनारे पर पहुंच गई। बर्फी चिड़िया जैसे ही नदी के किनारे पर पहुंची, उसने देखा कि लड्डू तो वहां पहले से ही घूम रहा है। अरे वाह, तुम तो शर्त जीत गए, लगता है तुम उससे भी अच्छा उड़ लेते हो। कोई बात नहीं, शर्त तो तुम जीत ही चुके हो, अब बताओ मुझे बदले में क्या करना होगा? शर्त के बदले में हम तो कुछ और ही तुमसे मांगना चाहते थे, लेकिन हम कुछ नहीं लेंगे क्योंकि हमने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया था, जिस तरह से तुम सबको बेवकूफ़ बनाकर शर्तें जीत जाती हो। मैं पेड़ा हूँ और लड्डू तो वहीं पर है जहाँ पर तुमने उड़ना शुरू किया था, इसलिए हम तुमसे कुछ भी नहीं लेंगे। बस इतना चाहते हैं कि तुम कभी भी किसी के साथ बुरा ना करो। ठीक है दोस्त, तुम्हारी बात मैं समझ चुकी हूँ, अब मैं कभी ऐसा कोई काम नहीं करूँगी।